सो गाइस सुबह स्टार्ट किया था अराउंड 8:30 बजे या 8 बजे तक, अभी हो रहे 11:30। 227 किलोमीटर कवर कर लिया हम लोगों ने। अभी रुका है थोड़ा नाश्ता करने के लिए। तो अभी प्लान ऐसा है, रुको प्लान पहला ना, एक ही मिनट। तो देखो भैया, आज का प्लान, अभी का प्लान ऐसा है कि अभी इधर ये सेव भाजी बोले, सेव टमाटर और चपाती, और उसके बाद उत्तराखंड में एंटर करेंगे। हरिद्वार नहीं पहुंचेंगे तो भी चलेगा, बट उत्तराखंड में आज एंटर होना है। बाकी सब सही है, अभी क्या बस खाना बाकी है। एक्चुअली बज गए 11:30 आने का टाइम, और नाश्ते का टाइम हम लोग का एक ही हो गया। आज का नाश्ता स्कीप ही हो गया, समझ जाओ। चपाती सेव भाजी खाएंगे मस्त, और फिर निकल लेंगे। चलो, अच्छा था खाना, एक नंबर। वही क्या खाना बनाया था, आधा घंटे का ब्रेक हो गया। अभी निकल रहे यहाँ से, खाना खा के दिल खुश कर दिया भाई, क्या खाना बनाया है, जबरदस्त खाना। और हम लोग ने लगभग 7-8 रोटी तो भी मिनिमम खाया रहेगा, और खर्चा बस 140 रुपया। 7-8 रोटी खाया, फिर से छाछ पिया, सेव भाजी, एकदम खतरनाक, बढ़िया, पैसा वसूल काम एकदम। चलो हमारी राइड की शुरुआत करते हैं, यहाँ से पेट्रोल भरेंगे एंड डायरेक्टली जाएंगे दिल्ली। दिल्ली अभी भी दूर है। क्या है भाई साहब, भाई आर्मी की गाड़ी है, आर्मी NSG। ओ भाई साहब, देख रहे हो शॉट, थक गए भाई साहब गाड़ी चला के। ऑलमोस्ट अभी दिल्ली यहाँ से 175 किलोमीटर दूर है। करण भाई पानी पीते हुए, दिल्ली यहाँ से 175 किलोमीटर दूर है, वो व्लॉग में आने के लिए शर्मा रहे हैं, आई डोंट नो क्यों। गाड़ी सही परफॉर्म कर रही है, एकदम फट्टे वाला मज़ा आ रहा है राइड करने में। गाड़ी की हालत देखो, थोड़ा सा छांव में खड़ा किया इसीलिए। चलो अभी थोड़ा देर रेस्ट करेंगे, फिर से निकलेंगे। 75 किलोमीटर्स में अभी दिल्ली है, दिल्ली अभी दूर नहीं, अभी बहुत नज़दीक है। ओ भाई साहब, ये ट्रैफिक है यारो, ये ट्रैफिक क्यों है यारो, इतनी ट्रैफिक क्यों है भाई साहब, क्या ही हो रहा है। ऐसे अच्छे लगते हैं राइडर्स, एक दूसरे को ग्रीट करते हैं तभी। सो गाइस, गुड़गांव यहाँ से 9 किलोमीटर लॉन्ग है, 9 किलोमीटर दूर गुड़गांव, एंड उसके बाद आएगा
दिल वालों की दिल्ली, इट्स एंड 43 किलोमीटर दूर। ओ भाई ट्रैफिक, क्या ही ट्रैफिक। दिल वालों की दिल्ली में आपका स्वागत है गाइस, मेरे साथ आपका दोस्त, आपका होस्ट लौकिक गावंड। दिल्ली में ही सारी कंपनियां आके बैठ गई है क्या? पहली बार दिल्ली आए हो पर दिल्ली देख के हिल गए हो भाई साहब। मतलब दिल्ली भी मुंबई से कम नहीं है, वैसे भी दिल्ली को कहते ही है इंडिया का राजधानी, इंडिया की राजधानी है जो दिल्ली, फिर भी यार खतरनाक है। एक दिन तो बस दिल्ली घूमेंगे भाई साहब, मतलब अभी तो टाइम नहीं है बट आते टाइम अगर टाइम मिल जाता है, अगर टाइम एडजस्ट हो रहा है सब प्लान के हिसाब से, तो दिल्ली में एक दिन बिताना है यार, पूरा सिटी एक्सप्लोर करेंगे। ये तो हाईवे टू हाईवे बस देखे जा रहे देखे जा रहे, ऐसे असली मजा। ओहो, अपने भारत माता का झंडा लहराते हुए, किसी भी व्यू से सबसे ज़्यादा प्यारा यही व्यू हो सकता है। भाई साहब मतलब इतनी ट्रैफिक मिल रही है ना कि क्या ही कहूँ। तो फ्रिक सो गाइस, अभी प्रॉब्लम हो गए कि करण भाई हो गए घूम, कहाँ हो गए कि कुछ पता नहीं है, मेरे तरफ से अलग हो गए। मैं तो अभी डायरेक्ट सीधा हरिद्वार के रूट पे मिलूँगा उनसे, वही बेहतर गिरेगा शायद से। मैं उनको बोल दिया है कि अब डायरेक्ट हरिद्वार के रास्ते पे मिल जाओ, एक मेन हाईवे पे दोनों मिल जाएंगे गूगल मैप का सहारा करके। तो अभी थोड़ी देर के लिए राइड होगी सोलो। यही जो रास्ता है वो जनकपुरी साइड जाता है, इंडिया गेट साइड जाता है। अभी ऑल्सो डोंट नो कि कहाँ जाना है, इतना ट्रैफिक है, इतना ट्रैफिक है कि भाई क्या ही कहेंगे। तो भाई से बात पूछ लिए तो भाई ने बताया आप तो सही रास्ते पे हो, यहीं से सीधा सीधा जाना है, तो चलिए यहीं से जाके देखेंगे। तो भाई ये कौन है, शायद ये हवलदार है शायद, इनको पूछ लेते हैं फिर भी। सर हरिद्वार जाना है, हरिद्वार हरिद्वार जाना है, हरिद्वार नहीं का सीधा है ना? ठीक है धन्यवाद, सीधे निकल जाओ भाई, सीधे भाई साहब ने बोल दिया सीधे निकल जाओ, तो हम चले सीधे। चलो भाई आपका भाई आज फुल जोश में। सो गाइस ऑलमोस्ट एक घंटा वेस्ट हो गया अपना, दिल्ली के अंदर एंटर हो गए थे, अभी कौन सा ब्रिज चढ़ गया वो भी नहीं मालूम, जो मिला वो चढ़ गया। मेरठ 65 किलोमीटर यहाँ से, मतलब हरिद्वार पहुँचते पहुँचते 9 तो बजने वाले, इतना पक्का है। जो भाई साहब क्या हाईवे मिला है, खतरनाक वाला एकदम। पर इस पे एक शॉर्ट है कि यहाँ पे बाइक अलाउड नहीं है, ये एक्सप्रेस वे है, दिल्ली है भाई, चाचा बिताया गया हमारे। कि भाई साहब कार गई बाजू से तो गाड़ी हिल गया मेरा पूरा। अरे इतने सारे बाइक वाले, इन लोगों ने पकड़ रहे हमको, क्यों पकड़ेंगे। तो गाइस बढ़िया सा सनसेट हो रहा है, इसीलिए हमने कहा कि एक गाड़ी के फोटो खींच ले। कैसी लग रही है गाड़ी? एक्सप्रेस वे पे है हम डायरेक्टली हरिद्वार, तो इंस्टा पे भी फोटो अपलोड हो जाएंगे। अगर आपने इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम का लिंक नीचे आता होगा, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना एंड यूट्यूब पे सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओह भाई साहब क्या ही सनसेट है, देख रहे हो। चलो फटाफट 2-3 फोटो निकलते हैं, इंस्टा पे स्टोरी अपडेट कर दूंगा और निकलेंगे सीधा हरिद्वार। सो क्या ही हाईवे लगा है, गाड़ी भगाते भगाते इतना मजा आ रहा है कि पूछो मत। 175 किलोमीटर बाकी बस, ये खूबसूरत सा
ओहो भाई साहब, चलो लेट्स कंटिन्यू। भाई कसम से दिस इज द बिगेस्ट टोल प्लाजा आई हैव एवर सीन बिफोर। कितना बड़ा है माँ कसम, देखो ना रोड्स तो देखो, रोड्स की क्वालिटी देखो। आई थिंक ये अभी अभी जस्ट नया बनाया हुआ रोड है। हरिद्वार हरिद्वार, वी आर कमिंग। बस आ गए हरिद्वार सीधे। आफ्टर सो लॉन्ग टाइम, मतलब कितने टाइम के बाद करण भाई फिर से टकरा गए, मतलब मेरे से आके टकरा गए, मुझे फिर से मिल गए। ये रहे अपने करण भाई। मेरुडिया से और 5 किलोमीटर अंदर साइड है, बट हरिद्वार 138 किलोमीटर सही है। सो हाय गाइस, अभी ब्रेक ले लिया है, थोड़ा सा टाइम हो गया है, अराउंड 7:30, 7:20 हो रहा है। ऑलमोस्ट किलोमीटर अच्छे खासे कवर किए हैं, लास्ट के 80 किलोमीटर बाकी है, तो लास्ट के 80 किलोमीटर बाकी, 80 किलोमीटर कवर करेंगे, हरिद्वार पहुंचेंगे। आज हरिद्वार का टास्क एकदम प्रॉपरली कंप्लीट हो रहा है, आज की राइड एकदम प्रॉपर थी। खाते भी थे और फिर बाद में मिलते हैं। भाई खाना तो एकदम बढ़िया लग रहा है, एकदम कड़क टेस्ट है, पेल देंगे पेल देंगे। ओ भाई ए, कितना टाइम गला है अपने इधर, कितना टाइम गला है इधर? हाँ दो घंटा गला दिया। खाना तो ऐसा था भाई साहब, ऐसा लग रहा है मुंबई छोड़ के यूपी में बस जाए। खाना खा के प्यार हो गया भाई, क्या खाना था, बढ़िया बढ़िया खाना तो इतना खाया है कि पेट फूट के बाहर आ जाए। ओ माय गॉड, भैया थोड़ा भी दिल नहीं कर रहा था कि उठ के चले जाते, निकल लेते, ऐसा लग रहा था कि अभी इधर ही सो जाते, इतना भूख, इतना पेट भारी हो गया था। अभी एकदम मस्त लग रहा है, अभी और 80 किलोमीटर है, 88 मतलब अराउंड 90 किलोमीटर रहेगा हरिद्वार, तभी हरिद्वार जाएंगे। स्लो स्लो जाएंगे, धीरे धीरे क्रूज करेंगे एक एवरेज स्पीड पे। भाई मुंबई में तो फालतू पैसा लूटते जाते भाई, मतलब थोड़ा सा खाओ, इतना खाया बिल कितना हुआ, 530 रुपया। भाई साहब अगर यही मुंबई में खाते हैं ना तो 2500 के ऊपर तो आराम से जाता था। ओहो भाइयों, उत्तराखंड में ऑफिशियल एंट्री हो गया अपना, केदारनाथ 300 किलोमीटर, बस 300। सुकून मिल रहा है मुझे, दिल को तसल्ली हो रही है यार, रोने आ रहा है मुझे, इतना रोने आ रहा है कि अपना ड्रीम राइड पूरा हो गया यार। वेलकम टू हरिद्वार कुंभ सिटी। तो गाइस मेरे साथ आप सभी का हरिद्वार सिटी में स्वागत है। फाइनली वी हैव रीच्ड हरिद्वार, इट्स 9:34। करण भाई फुल मचाते हुए, उत्तराखंड पुलिस निकल लिए भाई साहब। ओ देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है, हर महादेव केदारनाथ धाम। ओ भाई साहब, कर दिखाया दोस्तों, कर दिखाया भाई, पागल हो जाऊंगा यार, अभी गाड़ी रुका के नाचने का मन कर रहा मेरा। ओ भाई अलग ही फीलिंग हो रही है, अलग ही फीलिंग, इमोशनल हो जाऊंगा मैं अभी भाई। सो गाइज इट्स 10:30 एंड हरिद्वार पहुंच गए हम, होटल शिवाय ये है।
सो ये है आज की रूम। सो 1500 में रूम बढ़िया मिल गई। यहाँ पे गर्म पानी भी चालू है, मतलब हीटर भी चालू है। सेम रूम थी नीचे, थोड़ी छोटी थी, 1000 रुपीज़ बोले थे, बट उसका हीटर नहीं चल रहा था। यहाँ पे हीटर भी चालू है और रूम भी अच्छे। देखो